हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 8 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। क्या है क्वेश्चन? सोवो की माँ की आयु की 6 गुनी। सुनिए, 5 वर्ष बाद सोवो की आयु उसकी माँ की आयु की एक तिहाई हो जाएगी। उनकी आयु बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? हल। क्या लिखेंगे? हल। आइए तो हम लोग मान, देखिए सोवो की माँ की आयु है ना, वो सोवो की आयु की 6 गुनी। तो हम लोग को सोवो की आयु मालूम करनी होगी। तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना की सोवो की आयु क्या मान लेंगे? एक्स वर्ष। क्या मान लेंगे? एक्स वर्ष। सोवो की माँ की आयु बताइए। तो सोवो की माँ की आयु कितना हो जाएगा? कितना? 6x वर्ष। तो ये कह रहा है कि सोवो की माँ की आयु जो है उस सोवो की आयु की 6 गुनी है। सोवो के आयु से 6 गुना। अगर सोवो को अगर 10 वर्ष तो कर माँ का हुआ 60 वर्ष। सोवो को 5 वर्ष तो कर माँ का हुआ 30 वर्ष ना। इस प्रकार 6 गुना। अब आइए, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोवो की आयु उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु की 3 गुनी की आयु की एक तिहाई हो जाए। प्रश्न से इसको सॉल्व करेंगे या प्रश्नानुसार लिख के सॉल्व करेंगे? प्रश्न से या प्रश्नानुसार। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोवो की आयु, तो 5 वर्ष बाद सोवो क्या क्या होगा? एक्स प्लस 5। सोवो की आयु क्या है? एक्स है। तो 5 वर्ष बाद एक्स प्लस 5 वर्ष सोवो की आयु उसकी माँ की आयु की एक, अब सुनिए, उसकी माँ की वर्तमान आयु की एक तिहाई हो जाए। 5 वर्ष सोवो की आयु जो है, सुनिए फिर लीजिए, समझिए, उसकी माँ की वर्तमान आयु की एक तिहाई हो जाएगी। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है? 6x। इसकी एक तिहाई हो जाएगी। 6x का 6 गुना 1/3। कोई दिक्कत? अरे भाई नहीं समझ में आया। कह रहा है कि उसकी माँ की वर्तमान आयु की एक तिहाई हो जाएगी सोवो की आयु। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोवो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की एक बटा तीन मतलब एक तिहाई हो जाएगी। तो इसकी आयु एक तिहाई हो जाएगी। तो हमने दोनों को क्या किया? उसकी आयु और उसकी माँ की आयु को बराबर किया, यानी इसकी आयु तो एक तिहाई हो ही जाएगी 5 वर्ष बाद। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या होना है? उसकी माँ की आयु को भी हम एक तिहाई कर देते हैं। समझ में आ गया इतना? नहीं समझ में आया, जैसे पिछला क्वेश्चन देखिए, इससे पिछला देखिए, उस समय हम पूरा क्लियर कराए हैं। तो उस क्वेश्चन देख के यदि पूरा समझ में आए करेगा। आइए, एक्स प्लस 5 बराबर 3×6x। ऐसा करें हम इसको, इस x को उस तरफ भेज दें, x वाला के साथ मिलन करवा देते हैं, क्योंकि x में 5 नहीं जुटेगा। तो इस तरफ रह गया 5, इस तरफ रह गया 2x, प्लस में x इधर आके माइनस में, इस तरफ 5 बराबर 2x में से x क्या है? x, यानी x बराबर हो गया 5। अब सुनिए उनकी आयु निकालना है। तो सोवो की आयु कितना था? सोवो की आयु हमने क्या माना था? x, यानी x बराबर निकला 5, तो 5 वर्ष। कोई दिक्कत? सोवो की माँ की आयु हमने क्या माना था? 6x। तो 6 गुना x के मान 5, 6×5=30 वर्ष। आया समझ में? आया? कोई दिक्कत? चलिए अब फिल करा दें। देखिए, सोवो की माँ की आयु सोवो की आयु की 6 गुनी है। सोवो की आयु इतना है, इसकी 6 गुनी है कि नहीं? अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी सोवो की आयु में 5 वर्ष जोड़ देंगे ना, सोवो की आयु में 5 वर्ष बाद अगर जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु जो है उससे एक तिहाई होगी ना। तो 5×5=10, इसका एक तिहाई है कि ना? इसका एक तिहाई। इसमें 3 से गुना करेंगे तो पूर जाएगा, इसमें 1/3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। चलिए, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव इस भूखंड की
बार कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करेंगे, खर्च करेंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई तो दिया हुआ है लेकिन अनुपात में है, तो हम लोग हल निकालेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि भूखंड की, भूखंड का अनुपात मान लेते, भूखंड का अनुपात या सीधे अनुपात मान लेते, माना कि अनुपात बराबर है, मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, बोलिए, x माना है तो लंबाई 11x और चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई हमने क्या माना है, क्या दिया हुआ है, 4, तो हो जाएगा आपका 4x। अब सुनिए, अब क्या कहा है कि गांव इस भूखंड की बार कराने में 100 रुपया प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च कर रहा है। सुनिए, आइए ध्यान से देखिए, चूंकि 100 रुपया में, चूंकि 100 रुपया में 1 मीटर बार कराया जा सकता है, कराया जाता है या जा सकता है 1 मीटर, तो इसलिए 75,000 रुपया में, पचहत्तर हजार रुपया में कितना मीटर कराया जा सकता है, 75,000 रुपया बटा में 100, यानी कि 750 मीटर बार कराया जा सकता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कह रहा है कि 100 रुपया में 1 मीटर, तो 75,000 में क्या मीटर, तो 75,000 में 100 रुपया से भाग दीजिए, क्या, तो 750 मीटर कराया जा सकता है। अब सुनिए, तो 750 मीटर बार कराने का ये क्या निकल गया, परिमिति, एक आयताकार है तो 750 मीटर हम लगा सकते हैं पूरा में, तो लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो नहीं है जो हम क्षेत्रफल मानेंगे, अगर मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर, तो हम लोग मानते हैं क्षेत्रफल, लेकिन मीटर में है तो हम मानेंगे परिमिति, तो निकालेंगे। तो भूखंड की परिमिति बोलिए या परिमाप बोलिए, क्या होता है, 2 × 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, कोई दिक्कत, परिमाप कितना दिया हुआ है, 750 मीटर, 2 × लंबाई कितना है, 11x, और चौड़ाई कितना है, 4x, 11 × 4 = 15, 2 से गुना करना है, कितना हो जाएगा, 15 × 30, 750 बराबर हो जाएगा 30x, सॉल्व कर दें, अरे 2 × 11 = 15x, 15 × 30, 750 बराबर 30x, यहाँ का चिन्ह दीजिएगा, तो 30x बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 750 बटा में ये बोला 30, ये ना होगा, इससे ही खत्म, 25 × 75 यानी 25, कोई दिक्कत, अरे देखो 750 मीटर है ना, तो x बराबर निकला आपका 25, x बराबर निकला आपका 25। अब सुनिए, लंबाई चौड़ाई निकाल दे, समझ में आया इतना, अब सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा था, देखिए 750 पर 15 × 30, 30 बराबर 30, x बराबर 750 बटा 30, कोई दिक्कत, 3 × 5 = 25 क्या बचा, यानी x बराबर 25 निकला, तो हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लंबाई कितना है, भूखंड की लंबाई कितना है भाई, लंबाई हमने माना है 11x, 11 × x के मान कितना निकला, 25, तो भूखंड की लंबाई हमारा हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 2 = 27, 275 मीटर। आइए, भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई क्या माना हमने, 4x, तो 4 × x के मान 25, यानी कि 100 मीटर, यानी 275 मीटर लंबाई और चौड़ाई हो गया 100 मीटर, समझ में आया, पहले इसका सेंस ले लीजिए, समझ में आया। चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, इस वीडियो को क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, तब तक क्या करते रहिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।